नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। पुलिस लाइन के रिक्रूटों ने किया योगाभ्यास, शरीर को मजबूत व स्वस्थ बनाने हेतु आरआई ने कराया योगाभ्यास। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन की तैयारी। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। कोरोना वायरस का हमला निरंतर जारी है, वायरस की चपेट में ना जाने कितने पुलिसकर्मी भी आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना वायरस जैसे ना दिखने वाले दुश्मन को पछाड़ने के लिए खुद मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर पुलिस लाइन में योगाभ्यास जैसे अस्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये खबर है हमारे संवाददाता सुधीर कुमार की। शनिवार को आर्ट ऑफ लिविंग के योग शिक्षक रामकृष्ण मिश्रा व युवाचार्य रजत तिवारी के माध्यम से पुलिस लाइन मैदान में पुलिस कर्मियों को योगाभ्यास कराया गया। कोरोना वॉरियर्स ने काफी समय तक योगाभ्यास किया, जिसमें मांडुकासन, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, नौकासन व भुंजक नामक महत्वपूर्ण आसन कराए गए। योग शिक्षक ने हमारे संवाददाता को बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए मजबूत इम्यूनिटी ही कारगर उपाय है। ये क्रिया सबसे कारगर व बिना किसी खर्चे का सबसे कारगर उपाय है। योगाभ्यास प्राणायाम का लाभ किसी से नहीं छिपा, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं और उन्होंने इसके प्रसार के लिए बहुत कुछ किया है। कोरोना महामारी से बचने के लिए बड़े बड़े चिकित्सकों ने योगाभ्यास को अपनाने की सलाह दी है। प्रतिदिन आधे घंटे से एक घंटा तक किया गया योगाभ्यास तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। कोरोना महामारी में तो इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। खबर के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि योग करें, निरोग रहें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।